मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये कहना है प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह का। इंदौर में पत्रकार से बात करते हुए ये बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति भी बताई, लेकिन इंदौर से दोबारा ताई को टिकट दिए जाने के सवाल पर वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। किसान मोर्चा को प्रत्येक गांव में जाकर किसान कुंभ के रूप में कहां काम करना है और लोगों को बताना है, इसकी जानकारी देना है। किसानों के लिए केंद्र की सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने क्या किया, ये बीच में जाकर लोगों की बातचीत करना है। सरकार कांग्रेस का बनने के बाद कोई खुशी नहीं है, सरकार जाने का गम मैं देख रहा हूँ कि शिवराज जी नहीं बन पाए, इसलिए लोगों में मैं गम दिख रहा हूँ। जैसे दिग्विजय सिंह की सरकार आप देखे होंगे, तीन में जब उनकी सरकार गई तो लोग खुशियां मनाए थे, दिवाली मनाए थे, लेकिन इस सरकार के जाने से लोग दुखी हैं, यानी गम में है कि यार गलत हो गया। तो हमें लगता है 2019 में जो आने वाला चुनाव है, कार्यकर्ता और जनता, कार्यकर्ता जनता का विश्वास लेकर जनता के बीच में जाएगी, और हमें लगता है कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। क्या है, ताई जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, मैं और हमें मध्य प्रदेश में लोग मिले यही कह रहे हैं, लोग ताई जी की लोकप्रियता है, काम करती है अच्छा, और मैं तो घूम रहा हूँ कैसा भाई, कैलाश विजयवर्गीय हूँ चाहे ताई जी, हमें एक आदमी भी नहीं मिला, दोनों की प्रशंसा करना, दोनों नेता और दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित, और आज से नहीं जब से पार्टी में आए हैं, और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता का उदाहरण पूरा देश लेता है, और यहाँ के कार्यकर्ता नेता नहीं है, नेता भी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ रहते हैं, और हमें लगता है कि जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं उस गलतियों को सुधारेंगे, और सुधार कर 2019 कार्यकर्ता मन बना चुका है, और वह सबक सिखाने के लिए और नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो तय कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का नाम जो है 13वें नंबर पर लिखा है, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई है, कभी टाइप में गड़बड़ हो जाए तो देखिए, नेता शिवराज जी हैं, शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष राकेश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, संगठन के नेतृत्व में चुनाव होगा, इसलिए देखिए वो हो गए नेता तो शिवराज जी। जी, उसमें एक गलती की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि चार नेताओं के आगे मंत्री लिखा हुआ मध्य प्रदेश शासन, आप तो अच्छे चले जाते हैं मतलब टाइप में कैसे और कैसे लिस्ट लोगों के पास पहुँच गई मैं समझ नहीं आता, वो मतलब ऐसा कोई लिस्ट वाले बताने की नहीं है जी, तो उसमें